ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप या पैरामीटर क्या होगा? रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत। इसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर होता है, परिमाप का मतलब होता है सारी बाउंड्रीज का जोड़, यानी सारी भुजाओं का जोड़। लेंथ जमा ब्रेथ जमा लेंथ जमा ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या हो जाएगा? टू लेंथ प्लस टू ब्रेथ, यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा, 2 × L + B, ये इसका पैरामीटर होता है। इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही ये है स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती हैं, और इसको मैंने ऐसे दिखाया है, इसका पैरामीटर होता है सभी साइड्स का सम। तो सभी साइड्स का सम करेंगे 4s आएगा। तो हम कह सकते हैं अगर हम 4 को इसकी साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या निकल आएगा? पैरामीटर। इसका एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो हम इसको लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल का पैरामीटर, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या होता है वो? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होती है 2 × π × r। पाई जो है एक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 × r, या 22/7 भी हो सकती है पाई की वैल्यू, या 3.14 भी हो सकती है। आप इनमें से एक वैल्यू लेंगी। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और हम कह सकते हैं पाई इंटू आर। ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल का पैरामीटर, ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, इसका पैरामीटर होता है a+b+c, तीनों साइडों का सम। इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस जिस पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, BC है, BC को मैंने साइड दिखाया है B से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जितनी इसकी हाइट होगी वो इसका एरिया होगा।